अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे किस तरह से आप कैनवा को यूज़ करते हो अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए एक अच्छा सा लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं उसके किसी भी ब्रांड के लिए। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं ये सारा काम हम किस तरह करते हैं। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पर सिंपल आप क्रिएट डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे लोगो वाला टेम्पलेट विच इज़ 500x500, हाइट एंड विड्थ सेम है इसकी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं कैनवास के ऊपर और हमारे पास यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी टेम्पलेट्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अब आपको किस तरह का कलर वाले लोगो चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे पिंक चाहिए, यहाँ पे देखें पिंक वाले ही शो हो चुके हैं। अब मुझे स्टाइल या क्लॉथिंग लोगो चाहिए, ठीक है, तो मैं यहाँ से वो सर्च भी कर सकता हूँ आपको जो भी चाहिए। तो यहाँ पर देखें कुछ इस तरह से ही आया है। तो या फिर किसी और लोगो को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल। यहाँ पे देखिए ये जिम एंड फिटनेस का लोगो है, यहाँ पे क्लिनिक का लोगो है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो राइट नाउ लेट्स से हम यहाँ पे लोगो यूज़ कर लेते हैं ये वाला। तो मैं सिंपल इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे हमारे पास ये लोगो आ गया। यहाँ पे मैं अपने जो ब्रांड नेम है उसको रिप्लेस करूँगा, लेट्स से एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा फैशन शॉप, लेट्स से, ठीक है। आप इसको चेंज करके यहाँ पे साइड पे रख सकते हैं या जिस तरह से भी आप इसके अरेंजमेंट करना चाहें। अगर आपको लोगो वर्टिकल हॉरिजेंटल चाहिए तो आप कुछ इस तरह से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे अभी के लिए इसको मैं ज़रा डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे इसको मज़ीद थोड़ा सा अच्छा करना है, स्पाइस अप करना है, तो मैं उसके लिए क्या कर लेता हूँ कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सिर्फ एक इस लेटर को इसको सिलेक्ट करके। ओके, कुछ इस तरह से मैं इसको सेटअप कर दूँगा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ लोगों की शेप आ गई, तो इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा सबको, इसको सेंटर में ले आऊँगा और यहाँ पे देखिए हमारे पास इसको मैं थोड़ा सा इधर अगेन मैं इसको ज़रा कंप्लीट को सिलेक्ट करके इसको लॉक कर दूँगा यहाँ से या ग्रुप कर दूँगा। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको ईजीली मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर हमारे ब्रांड का नाम लेट्स से थोड़ा सा बड़ा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास एक मैंने वो टेक्स्ट लिखा और इसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ शिवे, लेट्स से ये हमारे ब्रांड का नेम है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ और इसका कलर मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ये वाला कलर ले आता हूँ और ये मैंने इसको यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल डॉट लगा देता हूँ जो कि थोड़ा सा क्लासी लगेगा। ओके, यहाँ पे हमारा लोगो जो है वो डिज़ाइन हो चुकी है। टेम्पलेट हमने चूज़ की थी उसको फिर अल्टर किया अकॉर्डिंग टू आवर नीड। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ और लगाना चाह रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ एलिमेंट्स के अंदर हैं, एलिमेंट्स में आने के बाद यहाँ पे देखें बहुत सारे ग्राफिक्स, बहुत सारी शेप्स यहाँ पे मौजूद हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे ग्राफिक्स पे आ जाता हूँ और इन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखें मुझे सारे ग्राफिक्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो गएंगे। मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा फैशन के रेलिवेंट ग्राफिक्स, तो लेट्स से यहाँ पे देखें फैशन। अब मैं मान के चले मुझे ये वाला जो है वो अच्छा लग रहा है, इसको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ इंस्टेड ऑफ दिस, तो मैं इसको डिलीट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूंगा और इसका साइज़ जो है वो मैं थोड़ा छोटा करके कुछ इस तरह से यहाँ पे लगा सकता हूँ। ओके राइट, तो ये हमारा लोगो जो है वो कंप्लीट हो चुका है कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से जो भी आपका लोगो हो, जिस तरह से भी आप उसको मैनेज करना चाह रहे हो, तो आप कर सकते हैं। इवन आप इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखें ये एनिमेशंस हैं, तो आप अपने लोगो को थोड़ा सा एनिमेट कर सकते हैं, स्पाइस अप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इफ़ेक्ट्स देना चाह रहे हैं तो कुछ इस तरह से आप इसको इफ़ेक्ट दे सकते हैं, राइट। यहाँ पर देखें काफ़ी सारे जो हैं यहाँ पर इफ़ेक्ट के मोड्स हैं,
ठीक है, और इनकी थिकनेस वगैरह आप यहाँ से उनको डील कर सकते हैं, उनको कम या ज़्यादा कर सकते हैं डायरेक्शन वगैरह की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आप यूज़ करते हुए एक प्रोफेशनल एक अच्छा लोगो बना सकते हैं अपने या अपने क्लाइंट के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, सब्सक्राइब कर लें चैनल, वीडियो को लाइक कर दें अगर पसंद आई हो तो। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।